मेरे घर के सामने रहते हो, आज तक तो मैंने आपको देखा नहीं। तो सर मैं देखती हूँ ना आपको, मेरी नजरों से देख के देखो ना। आप लोग आए हो, सब बहुत ही अच्छे, तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपकी ड्रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है ना यार, बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई है वीडियो में, और भसड़ क्या हुई है ये आप खुद चलकर वीडियो को देख लो यार। कैमरा टूटते टूटते बचा है, लेकिन मैं सेफ हूँ और एरिक सेफ है। बहुत मुश्किल से बहुत बड़ा रिस्क लेके वीडियो बनाई है। आप चलकर वीडियो के रिएक्शन देखो, मैं मिलती हूँ वीडियो के बाद। एक्सक्यूज मी जी मैडम, बोलिए। हाय सर, कैसे हो आप? हाँ राजेश, पैसे दे दिए उसने? हाँ निकल रहा हूँ, बारिश की वजह से रुक गया था यार। हाँ ठीक है ठीक। हाँ मैडम बोलिए। सर मुझे आपसे ना जरूरी बात करनी थी, आप दो मिनट बात कर सकते हो बस? जल्दी में क्या जरूरी बात है? इधर आप इधर आ जाओ, एक बार बात कर लेते हैं ना, जरूरी बात करनी थी, वरना आपको मैं डिस्टर्ब ना करती। बोलिए। सर आपका नाम राजेश है ना? जी। मैं आप यहाँ रहते हो ना, ये सामने ही लाजपत हाउस नंबर 19 में। काम क्या है मैडम वो बताओ ना। काम सर ये है कि मैं आपको ना बहुत दिनों से ना एक्चुअली नोटिस कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। तो बहुत दिनों से मैं देख रही थी आपको, तो मुझे ना आप अच्छे लगते हो, आपका ये मतलब कॉस्ट्यूम, आपका ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ मेरे को ना पूरी। पहले तो ये बताओ कि इतनी डिटेल आपको मेरे बारे में बताया किसने? मेरे को आपकी डिटेल, मैं आपके घर के सामने ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे पता है आप हाउस नंबर 19 में रहते हो ना। जी हाँ, तो मुझे पता है आपका नाम भी राजेश है, तो मैं आपको नोटिस करती रहती हूँ, और आपकी जो छत है ना वो मेरे घर के सामने वाली छत से भी दिखती है, तो मैं आपको देखती रहती हूँ। तो आप प्रपोज करने आई हैं मुझे? हाँ प्रपोज। आपकी उम्र देखिए मैडम। मेरी उम्र, मेरी अभी 20 साल की है, मैं आई एम 20। पढ़ने लिखने की उम्र है मैडम, ये क्या चक्कर पाल रहे हो? आपके पापा का नंबर देना मुझे। मेरी बात सुनो, आप पापा को फोन ला के क्या करोगे? पहले मुझसे तो बात करना एक बार। नहीं पापा का नंबर दो ना, आपसे क्या बात करूं? दिल तो देखो किसी पे भी आ सकता है ना, इसमें कोई वो गलत थोड़ा है। नहीं ये कोई बात नहीं होती मैडम, एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को रोक के आप इस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कोई बात नहीं होती। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, मुझे आप पसंद हो तो मैंने आपको बोल दिया, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कोई गलत पाप नहीं किया है। मेरी बात सुनो, ऐसी आपने टाइम खराब कर दिया मेरा, ठीक है अब आप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे लेडीज पुलिस बुलाना पड़ेगा, मैं तो हाथ लगा नहीं सकता आपको, ठीक है आप निकल जाओ इधर से। आप मतलब मेरी बात देखो, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल को बुढ़ापे में ला दूंगा मैं, निकल जाओ इधर से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ। नहीं नहीं निकलो इधर से, आप शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। और दे दिया पैसे उसने, तो फिर फोन क्यों कर रहा तू, बार बार रखना। सर मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं ना, अब मुझे आप पसंद हो तो मैंने आपको बोल दिया कि अब। मैडम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? लेडीज पुलिस, आपको क्या हवालात के अंदर जाना पसंद है क्या? सर मुझे हवालात में जाना पसंद नहीं है, मेरे दिल में आप पहले से आ चुके हो, मुझे दिल में कैद हो चुके हो आप पहले, तो आप क्या मुझे जेल में बंद करोगे? आपको तो पता है ना आशिक मरता नहीं है, और वही आशिकी मुझे हो गई। मैडम मैं बुलाता हूँ अभी, अभी आपके वो करता हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, फोन मत करो, एक बार सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, एक मिनट बात सुन लो मैं चली जाऊँगी। बोलो मैडम बोलो, क्या बात है बताओ? मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है ना, मैंने कोई कुछ किसी का खून किया है, तो आप जो मुझे कह रहे हो जेल में डाल दोगे, अब किसी को प्रपोज तो किसी को भी कर सकते हैं, दिल तो किसी पे भी आ सकता है, किसी को भी कर सकते हो, लेकिन ये एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को आप रोक के इस तरीके से बातें कर रहे हो, मेरे बारे में डिटेल निकाल रहे हो आप, और डिटेल दे कौन रहा है? आपको लग रहा है कि अंदर जाने का मन कर रहा है? नहीं मेरे को अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, मेरे घर के सामने ही रहते हो आप, इसलिए नहीं, ऐसी कोई किसी का डिटेल नहीं मिलता, आपने डिटेल निकाली है कहीं से? मेरे घर के सामने रहते हो, आज तक तो मैंने आपको देखा नहीं। तो सर मैं देखती हूँ ना आपको, मेरी नजरों से देख के देखो ना। आप निकल जाओ इधर से मैडम, आप अच्छा आप इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि आपकी मतलब आप शादीशुदा हो, आपकी बीवी बच्चे है? मैडम मैं अपने बारे में आपको बताऊँ क्यों? आप ना यहाँ पे तीन चार लोग खड़े हैं ना, उनसे पूछ लो कि प्यार करना गलत नहीं है। नहीं मैं लोगों से क्या पूछूं, आप निकलो इधर से। अब मुझे मेरा टाइम मत खराब करो आप। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं चली जाऊंगी। देखो प्यार तो किसी से भी कर सकते हैं, मेरे बुलाना ही पड़ेगा लगता है। एक मिनट सुन लो, सिर्फ 60 सेकंड मेरी बात सुनो, उसके बाद आप चले जाना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ कि आप मेरे पापा को फोन करके क्या बोलोगे? मेरे पापा ने तो खुद ही सहमति से बोला है कि इसी बंदे से शादी कराऊंगा तेरी। आपके पापा का नंबर दो मुझे, आपके पापा का नंबर। पहले मुझसे बात नहीं करे, पापा से। आपके पापा ने बोला ना, तो आपके पापा को पहले अंदर डालूंगा, फिर उसके बाद आपको अंदर डालूंगा, पहले आपका पापा का नंबर दो मुझे। आप भड़को मत, गुस्सा मत करो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। नहीं मैडम हमारा काम होता और है। और अभी देखो 18 साल से ऊपर वाली लड़की को अपने सारे हक होते हैं ना, जो भी उससे करना है वो कर सकती है, जिससे शादी करने कर सकती है। अरे मैडम तो आप में दिमाग है नहीं है, मैं ऑन ड्यूटी पुलिस वाला हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ इस वक्त, और आप मुझे रोक के प्रपोज कर रहे हैं।
सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो फिर कि मैं कह रही हूँ कि मेरा एक मिनट बहुत कीमती होता है। मुझे पता है आपका एक मिनट कीमती है, तभी तो मैं कह रही हूँ सिर्फ 7 सेकंड ही तो ले रही हूँ मैं आपके, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मैडम आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप जा रहे हो यहाँ से नहीं जा रहे हो, या मैं पुलिस को लेडीज पुलिस को बुलाऊं? आप इतना गुस्सा मत करो कि बतली है कि एक छोटी सी वीडियो बना रही थी कि मेरे को किसी ने ना वो कहते हैं ना कि हमारा बैट लगी थी मेरी किसी से कि अगर मैंने आपको ऐसे प्रपोज कर दिया ना तो मैं वो जीत जाऊंगी, बस मैं इतना ही करती थी, आप गुस्से में मत आओ। छोटी सा कैमरा लगा हुआ है और वीडियो बना रही थी बस और कुछ नहीं। प्रैंक कर रही है, प्रैंक करना कोई गलत तो है नहीं जो आप बोल रहे हो, तुम ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को रोक के टाइम खराब कर रहे हो, ये तो गलत है ना सर। मुझे पता है आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, मेरा भी हर किसी का। सारे प्रैंक बंद करवाऊंगा मैं तो। प्रैंक करना इलीगल थोड़ा है सर, हम तो मजाक ही करते हैं, लोगों को लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आते हैं, हमारी वीडियोस देखो, हेल्प भी करते हैं हम लोग। आप एक मिनट यहीं रुको, पहले इस कैमरे आ गए।